इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। यहाँ बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे ही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ यात्रियों की मौत भी हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी और निजाबाड़ी के बीच ये दुर्घटना हुई है। बता दें, ट्रेन सियालदा जा रही थी। ट्रेन निजबाड़ी से पहले खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने तेज रफ्तार में ट्रेन को टक्कर मारी। हादसे में करीब 200 यात्रियों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अभी कई लोगों के फंसे रहने की भी आशंका है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बताते चले, मामले को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, दुखद रेल घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है। सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टरों, एम्बुलेंस और आपदा टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाड़ी वाली स्टेशन के बीच में खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। बता दें, कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब 3 बोगी पटरी से नीचे उतर गए। धक्का इतना तेज था कि एक बोगी दूसरी बोगी पर चढ़ गई। घटना की सूचना के बाद कटिहार रेल मंडल में हड़कंप मच गया। कटिहार और एनजीपी से एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन लेकर रेलवे के अधिकारी घटनास्थल की ओर कूच कर गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना में करीब 200 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन घटनास्थल से जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी गई है। बताया जा रहा है कि सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी स्टेशन पर खड़ी थी। इसी बीच पीछे से मालगाड़ी ने आकर उसे धक्का मार दिया और गार्ड बोगी और एसएलआर के साथ साथ जनरल बोगी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कई कोच रेलवे पटरी से उतर गए, जिसके कारण सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की सूचना मिल रही है। गौरतलब है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि अभी कितने जख्मी हुए हैं ये बात सामने नहीं आई है। इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है इस बात का भी पता फिलहाल नहीं चल पाया है।